शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग ने दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें चुनाव की तारीखें बताई जाएंगी। लोकसभा चुनाव के साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे। सुरक्षा कारणों के चलते जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के बाद होंगे। दावा किया जा रहा है कि इस बार के लोकसभा चुनाव 6 से 8 चरणों में हो सकते हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए गए थे। पिछली बार 10 मार्च को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल और आखिरी चरण के लिए 19 मई को वोटिंग हुई थी। नतीजे 23 मई को आए थे। उस चुनाव के वक्त देश में 91 करोड़ से ज्यादा वोटर थे, जिसमें से 67% ने वोट डाला था। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले चरण की वोटिंग 14 अप्रैल के आसपास हो सकती है। चुनाव आयोग ने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा 96.88 करोड़ वोटर्स लोकसभा चुनावों में वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड है। 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 6% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही जेंडर रेशियो में भी 2023 में 940 से बढ़कर 2024 में 948 की बढ़ोतरी देखी गई। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही देश भर में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। 14 मार्च को ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधु की नियुक्ति हुई है। दोनों ने शुक्रवार 15 मार्च को पदभार संभाला है। इसके बाद आयोग के 3 अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की थी और चुनावी कार्यक्रम पर मुहर लगाई। बॉन्ड मामले में 15 मार्च को एक बार फिर से सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने इस दौरान कहा कि राजनीतिक पार्टियों से लिए साल 2019 से पहले के चंदे की जानकारी उसने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दे दी थी। सुनवाई के दौरान एसबीआई को फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर सवाल उठाया कि उसने जो आंकड़े चुनाव आयोग को दिए उसमें बॉन्ड नंबर का उल्लेख नहीं किया, जबकि हमारे आदेश में साफ साफ लिखा गया था कि बॉन्ड नंबर भी उपलब्ध कराया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरा डेटा साझा नहीं करने के लिए एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई ने कहा कि संवैधानिक बेंच के फैसले में साफ कहा गया था कि चुनावी बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है। इसके लिए कोर्ट ने एसबीआई से 18 मार्च तक जवाब मांगा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। याचिका में चुनाव आयोग ने कोर्ट को दिए गए सभी दस्तावेजों को वापस करने की मांग की थी। आयोग का कहना था कि उसने गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन दस्तावेजों की कोई भी कॉपी अपने पास नहीं रखी है, इसलिए आगे की कार्रवाई के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े दस्तावेज दे दिए जाए। आयुक्त की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मामले में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर केंद्र से अहम सवाल किए हैं। मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित था तो नियुक्ति क्यों की गई? कोर्ट ने सरकार को 21 मार्च तक का समय देते हुए इस पर जवाब मांगा है। इस याचिका में याचिकाकर्ताओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म एंड ऑफिस एक्ट 2023 की धारा 7 को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने संशोधित कानून में चीफ जस्टिस को हटाकर उनकी जगह पीएम की ओर से नामित केंद्रीय मंत्री को रखा है। अब इसे लेकर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर सरकार की पसंद से ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी तो सरकार के फायदे के लिए चुनाव में हेराफेरी की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने भी सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर संदेह जताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब देखना यह है कि केंद्र इस पर क्या सफाई देता है।